पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। बेटा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कहो तो तुम्हें रास्ते में छोड़ दूँ। नहीं डैड, मैं चली जाऊंगी। I hate you, Dad. आपने मॉम का नाम मिट्टी में मिला दिया। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? आखिर आपके कारण मॉम को जेल जाना ही पड़ा ना। आपकी उन शेल कंपनीज की फ्रॉड में कनेडियन पुलिस मॉम को जिम्मेदार मानती है। आपने मॉम से सच्चाई छुपाकर उनसे अग्रीमेंट पर सिग्नेचर्स ली। You cheated us. सिर्फ बिजनेस ही नहीं, आपने नाना जी और मॉम दोनों की रेपुटेशन खत्म कर दी। You've ruined our lives, Dad. You know what? Just remember this. मॉम इसे इजीली जाने नहीं देगी। And I hate you. I hate you. एक के बाद एक सब बर्बाद हो रहा है। लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं कभी नहीं चाहता था कि वसु इस मुसीबत में फंसे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, यहां आने के बाद अचानक क्या होगा? एक के बाद एक मुसीबतें आ रही। कोर्ट जब तक मेरा पासपोर्ट वापस नहीं देते, मैं कनाडा भी नहीं जा सकता। I'm helpless. 17 साल पहले आप अपनी वाइफ को छोड़कर इंडिया से चले गए थे और आज दूसरी वाइफ के लिए आप इंडिया से नहीं जा पा रहे। माना आप मम्मी से नफरत करते थे, लेकिन वसुंधरा आंटी का क्या दोष है? वो आपके कारण क्यों दुखी है? डैड, क्या आपने सोचा है कि दोष सिर्फ हालात का नहीं, आपका भी हो सकता है? आज इसीलिए आपके साथ कोई नहीं है। एक परिवार आपके नज़दीक है, लेकिन उन्हें आपकी मदद नहीं चाहिए, और दूसरे परिवार की आप मदद नहीं कर पा रहे हैं। आप वाकई में अकेले हैं डैड। चलती हूँ। तुम भी तो मुझे छोड़ के चली नहीं जाओगी ना बेटा? यहाँ आके बापूजी का एक नया पहलू जानने को मिला मुझे। मुझे इतना गर्व हो रहा है ना उनपे, मैं बता नहीं सकती। हमारे बीच में ना मासूम सी बातें हुआ करती थी। उस समय उनके अंदर क्या चल रहा था, वो कितना बोझ लेकर जी रहे थे, उसका अंदाजा भी नहीं होने दिया उन्होंने मुझे। उनके मुंह से तो ना सिर्फ बस समाज सेवा और समाज सुधार की बातें निकलती थी। पुष्पा, समझ लो कि ये पटोला समाज का एक प्रतीक है। समाज? भिन्न रंग, भिन्न भात, अलग दौर, अलग जात, जब सब एक साथ आते हैं, एक सूत्र में गुंज जाते हैं, तब ये पटोड़ा धीरे धीरे अपना रूप धारण करता है। देश और समाज भी तो ऐसे ही बनते हैं। सब जब अपनी उत्तम ऊर्जा देश हित में लुटाते हैं, तब एक महान राष्ट्र बनता है। यही हमें याद रखना है हर काम करते। हम कोई काम नहीं कर रहे हैं पुष्पा, समाज घड़ रहे हैं, राष्ट्र घड़ रहे हैं। कितना कुछ सिखा रहे थे वो उस मासूम सी बच्ची को, वो भी सरलता से, सहजता से।
ये हाथ साल मुझे देखा, तुमने मेरा बचपन लुटाया जुगल। मैं किन शब्दों में तुम्हारा आभार व्यक्त करूं, मैं समझ नहीं पा रही हूं, पर फिर भी तुम्हारा बहुत बहुत आभार। हाय मॉम, हाय डैड, हाय दीपू, माँ कहाँ है? अरे यहाँ पे हूँ मैं, बाथरूम में। मनु बैठ, तू, तुझसे बात करनी है। और सोनल गौरी आई है कि बहाना बना के सटक गई? आई हूँ। दीपू मुझे बात करनी है तुमसे, अंदर चलो। चलो चलो। सोनल गौरी कहाँ गई? अश्विन कहाँ? अरे वो सामान लेने गया है, वो बार बार के लिए। बार बार के लिए मतलब? ये बुरसल, तुझे मालूम नहीं है बार बार के बारे में? मुझे मालूम है। अरे भाई बार बार वो खाना बनाते हैं ना, बार बार। अरे खाना बार बार क्यों बनाएगा माँ? बस हाँ वही वही बार बार क्यों, मुझे मालूम है बार बार क्यों के लिए वो। बारबेक्यू। इसमें हंसने की कौन सी बात थी? बारबेक्यू। ए बस हाँ बहुत हो गया, बार बार क्यों बारबेक्यू क्या फर्क क्या है? चले बस है, बस हंसना बंद कर। बस हो गया अब दीपू, और कब तक चलाओगी ये नाटक तुम? तुम्हारे चेहरे से साफ दिख रहा है कि तुमसे भी नहीं सहा जा रहा है ये। माँ को सब सच बता देते हैं और चलते अब यहाँ से। बस हो गया बेटा। माँ कल आ रही है मॉम, बस एक और दिन की बात है, प्लीज। एक दिन, दो दिन, क्यों रुकना है? और यहाँ अश्विन ने जो किया उसके बाद? अश्विन ने मुझसे माफी मांगी थी, जेन्युइनली और बहुत दिल से मांगी थी, लेकिन मैंने अभी तक उसे माफ नहीं किया है। मैं चाहती हूँ कि उसे रियलाइज हो, वो जिंदगी भर याद रखेगी उसकी इस हरकत ने मुझे कितना हर्ट किया है। मन्नू, ये सोनल गौरी दीप्ति के साथ दरवाजा बंद करके ऐसे क्या सीक्रेट बात कर रही है? माँ वो तो कह रही थी कि माँ को सब कुछ सच सच बता देते हैं, शायद दीपू से वही बात कर रही होगी। नाना चलने दे जैसा चल रहा है। सोनल गौरी का चाल में आना जाना शुरू हो गया है, लेकिन दीप्ति और अश्विन के बीच में सब कुछ ठीक करना है, तो नाटक को चलने दे। पुष्पा बेन का आइडिया अच्छा है, मुझे बुलाने का, काम भी करेगा। चलने दे जैसा चल रहा है, भांडा मत फोड़ना। है मन्नू, इसने सब सुन लिया। चिंता मत करो माँ, ये किसी से कुछ नहीं कहेगा। चिराग, कैन आई ट्रस्ट यू? 100% मनीष अंकल, अश्विन भाई और दीप्ति भाभी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं। सुन, तेरे पास कोई आइडिया है इन दोनों को मिलाने का? आप साथ हो तो आइडिया भी ढूंढ निकालेंगे दादी। अच्छा, बाकी मानना पड़ेगा इस उम्र में क्या सॉलिड एक्टिंग करती हैं आप। वो तो है ना। एक मिनट, ये उम्र की बात कहाँ से आई? देख, कुंज बाड़ा न जूनी है न जूनवाणी, एवर यंग, समझा? मास्टर जी मैं चलती हूँ, मेरा घर पास में ही है। अगर मेरे लायक कोई काम हो वहाँ मुंबई में भी तो बताना, आ जाऊंगी। भले, जय अम्बे। जय अम्बे। मुझे वीरेंद्र से तलवार से मिलना है मास्टर जी। तू आश्रम लेने आई थी, तुझे आश्रम मिल गए, से तलवार के चक्कर में मत पड़ बेटा, पंजी भी वही चाहता था। मेरे बापूजी की मौत का कारण है वो आदमी, निमित्त है मेरे यहाँ आने का। उससे मिले बिना मैं यहां से नहीं जाऊंगी।
क्या कहेगी उसे मिलके तू? एक नए नजरिए से देखो तो सही उस आदमी को, कितनी सफाई से उसने बाबूजी के शिष्य होने का ढोंग किया। उससे एक बार मिलना तो बनता है। ठीक है, पर होशियार रहना। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।